उम्र कैसी उम्र सरकारी मुलाजमीन भी है, सरकारी अहदेदारन भी है और इसी तरह यहाँ पर उसके साथ साथ सिविल सोसाइटीज भी हैं, मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं बराए रास्त ये मुश्तरक तौर सरकारी अफसरों की तरफ से, सरकारी मुलाजमीन की तरफ से और इसके साथ साथ यहाँ पर सिविल सोसाइटी की तरफ से मुश्तरक एक कैंडल मार्च का अहतमाम किया गया है और ये सिविल लोग इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और ये एहतजाज मैन जो बारामूला से शुरू हुआ साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा एक भाईचारा कायम रहा है उसको साथ हमेशा खड़े हैं और ये एक सॉलिडरिटी हम शो कर रहे हैं उन परिवारों के साथ जो कल जो एक वारदात हुई श्रीनगर में कि आप इस दुख में इस गम में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ शरीक हैं और हमारी मोतबाना गुजारिश ये रहेगी जो पुलिस डिपार्टमेंट है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो ये दरिंदे लोग हैं और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है उनको शख्स से सख्त जो भी कानून के तहत जो भी सज़ा होगी वो उनको मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल खुलेआम फांसी की सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से हम परहेज़ करें और जो भाईचारे को यहाँ पे ख़राब करने की जो साजिशें रची जा रही है हमारे जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि जो यहाँ आज बारामूला की आवाम जो आज सॉलिडरिटी निकली है शो करने के लिए उनके परिवार वालों के साथ ये बिल्कुल हम उनके साथ शाना बशाना इनोसेंट किलिंग बंद करो इनोसेंट किलिंग बंद करो। लोगों ने यहाँ पर काफी किलिंग के खिलाफ यहाँ पर ये कैंडल लाइट मार्च शुरू कर दिया है। ये कैंडल लाइट मार्च जो है ये इम्तियाज साहब आगे बढ़ो मैसेज उन लोगों को जो आज की डेट में भी इन किलिंग्स के बलबोते पे यहाँ की आवाम को गुमराह करना चाहती है और यहाँ के ऐसे इन लोगों को
जो हमेशा इस भाईचारे के साथ कायम और दायम रहे हैं उस भाईचारे को यहाँ ठेस पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन ये जो मैसेज हम पहुँचाना चाहते हैं कि वो हम कहीं कत्ल नहीं होने देंगे, कि जो भाईचारा हम लेगेसी में लेके चल रहे हैं वो लेगेसी हम आगे भी चलेंगे। और जो कल एक दरिंदा वाकया जो पेश आया श्रीनगर में, हम मनोज सिन्हा साहब से, पुलिस चीफ से हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दरिंदों को बेनकाब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऐसे वारदात ऐसे हरकत करते हैं, और मुझे ये लगता है कि ये दुख हम सब बारामूला के आवाम में है कि जो हम सिख कम्युनिटी के साथ हैं, पंडित बरादरी के साथ हैं, या अपने मुस्लिम भाई के साथ हैं, किलिंग के खिलाफ जो हमने एक कैंपेन चलाई है कि कोई भी इनोसेंट किलिंग अगर कभी कहीं भी होती है तो हम उस इनोसेंट किलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो आर पार की जो लड़ाई है, अब वो सिर्फ फौज के दरमियान नहीं है, एक सिविल सोसाइटी के दरमियान है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है जो यहाँ पे अमन और चैन के पुजारी हैं, जो अभी तक अमन और चैन जो अब आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उस अमन और चैन को कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ठेस पहुंचाने की जो कोशिशें कर रही है, मुझे लगता है कि उन चेहरों को बेनकाब करने की। अगर हम बात करें कि क्या ये पैगाम मुकम्मल तौर हमारे यहाँ पर अमन अमान को कायम करने के लिए और भाईचारे को कायम रखने के लिए पूरे मुल्क में ये पैगाम जाएगा आज बारामूला की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो हमेशा बारामूला की रीत रिवाज नहीं है कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, या हमेशा दुख दर्द में हमेशा हम आपस में चले हैं, तो आज भी हम ये समझते हैं कि जो किलिंग हुई है वो सिर्फ श्रीनगर में नहीं हुई, बारामूला में हुई है, क्योंकि इंसानी जान का एक जो इंसानी जान की किलिंग हुई है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी नतु गैरू को मारा गया, ये इंसानी जान की जो किलिंग हुई है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर किलिंग होती है तो हम उसके खिलाफ। गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जा रहा है बारामूला को, यहाँ पर हमारा जो भाईचारा है वो सदियों से चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद यहाँ पर अगर मिसाल दी जा रही है तो बारामूला शहर से दी जा रही है, तो बारामूला गेटवे ऑफ कश्मीर भी है, और गेटवे ऑफ कश्मीर से ही बारामूला की तरफ से आप पूरे सिख कम्युनिटी के साथ इजहार हमदर्दी के साथ साथ ही पूरे कौम को, पूरे नेशन को जो पैगाम देना चाहते हैं आप कि अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भाईचारे का एक तरीका रहा है, उस भाईचारे को हम किसी भी कतन किसी भी सूरत में किसी भी तरीके में नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और जो लोग आज मैं आपकी जानिब से, आपकी मीडिया की जानिब से उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब वो टाइम चला गया जहां पे मजहब के बुनियाद पे, जहां पे धर्म के बुनियाद पे एक दूसरे को मारा जाता था, एक दूसरे की पीठ पीछे खज्जर बोका जाता था, अब वो टाइम चला गया। अब हम एज सिविल सोसाइटी, एज यूथ, एज ए जो भी आपको समझना है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद ये जो मजहबी लड़ाइयाँ हैं, जो बंदिशें मजहबी रंजिशें जो आपस में फैलाने की जो कोशिशें की जा रही है, आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। और जहाँ आपने जो बात की गेटवे ऑफ इंडिया की, गेटवे ऑफ कश्मीर की जहाँ बात कर रहे हैं, ये वाकई आप गेटवे ऑफ कश्मीर है, नहीं गेटवे ऑफ इंडिया है। शुक्रिया सर।